तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी मुझे पता लगा कि पापा बता रहे थे कि अब हम जाएंगे बड़कोट जाएंगे अभी हम, और हम मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मेरा बैग और बाइक भी। और लगभग ओड़गांव से बड़कोट का रास्ता 50 किलोमीटर का है। तो अभी टाइम हमारा 3 बज चुके हैं और 2 घंटे लगेंगे लगभग हमको जाने में, तो लगभग 5 बज जाएंगे, रात सी ही हो जाएगी। और जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। पापा भी आ गए हैं बैग लेके अपना, और चलो फिर तो हम आगे मिलते हैं और मैं आपको सारी चीजें दिखाता रहूंगा। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं, वो यहाँ से गांव दिखाई दे रहा है आपको, और अभी हम रास्ते में चल रहे हैं। अभी हम चल रहे थे और यहाँ पे एक मुर्गा फार्म भी है, और देखो यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गे मिलते हैं, लिख रखा रोबिन है, जिसका ये फार्म है ना उसका नाम रोबिन है। और ये नीचे की साइड है, मैं अभी वहाँ पे नहीं जा सकता। और कड़कनाथ आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्रोटीन वाला मुर्गा है। और ये देखो, ये सारे बुरांस के पेड़ हैं बड़े बड़े, ये देखो कितने बड़े बड़े कितने, और इन पे भी फूल नहीं लग रहे, रेड कलर के फूल लगते हैं इन पे बहुत अच्छे से। तो चलो फिर चलते हैं। गाइस, ये देखो किस तरीके से पहाड़ों पे घर बनते हैं, और ये पूरा पत्थरों से बन रहा है, और देखो इधर बना रहे हैं लोग बाग, और काफी बड़ा बना रहे हैं ये। आप दीवारें देख सकते हो यहाँ की, कितनी ऐसी लग रही है जैसे पूरी ईंट से बनी हो, लेकिन ये पूरी पत्थर से बन रखी है। A few moments later. तो गाइस, अब हम जो ये कच्ची वाली रोड थी इस पे से उतरने वाले हैं, और हमें अब हाईवे वाली रोड मिल गई। और ये 15 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने अभी ओड़गांव से हम सारीगांड वाली रोड तक हम आ गए हैं, हाईवे वाली रोड बोलते हैं इसको। ये देखो ये जा रहे हैं। Later. तो गाइज, अभी हमने ब्रेक लिया था, और अभी यहाँ पे बर्नी गार्ड भी हम रुके थे, और अभी हमने थोड़ी सी चाय पी और पेन भी खाया एक, और अभी हम चलने वाले हैं। बर्नी गार्ड है ये इस प्लेस का नाम, तो भी हम चलेंगे। चलो गाइस, पापा बोल रहे कि अभी लाखा मंडल चलते हैं घूमने के लिए, और फिर जाएंगे हम बड़कोट। तो आप पीछे गेट देख सकते हो लाखा मंडल का, और यहाँ से अभी 5 किलोमीटर है लाखा मंडल। तो जो मेरा लाखा मंडल का घूमने का ब्लॉग आएगा वो अगली वीडियो में आएगा, तो मैं अभी अगली वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। और अभी तो मैं बड़कोट ही दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। चलो फिर मैं चलता हूँ। 2000 years later. तो गाइस, मेरा लाखा मंडल का तो टूर था वो हो गया, और मैंने पूरी वीडियो भी शूट कर ली, तो सभी मैं एडिट करके जल्द से जल्द अपने चैनल पर गेर दूंगा। और अब मैं पूरे 9 गांव को निकल गया हूँ, और अब पेट्रोल पंप आ गया है आप देख सकते हो। और अभी हम बाइक पे चल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए वहाँ पे लाखा मंडल में, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा शूट नहीं कर पाया। अब जा सीधा हम बड़कोट में मिलेंगे आप। तो गाइज, अभी हम बड़कोट में आ गए हैं, और आप पीछे के जो मेरे पीछे दुकान है उनसे पता भी लगा सकते हो। और अभी हम जो यहाँ पर रात को स्टे करेंगे, और एक पापा के दोस्त हैं वो जेई हैं, उनके यहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो गाइज, हम अभी आ गए थे
तो आप यहाँ का बर्ड कोर्ट का वो सीन देख सकते हो, नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, ये देख सकते हो आप। इधर से आए अभी हम, और अभी अभी इस वाले रूम पे हम स्टे करेंगे नाइट में। ये देखो आप। तो सो गाइज, मैं बर्ड कोर्ट में आ चुका हूँ और मैं रूम के अंदर भी आ गया हूँ अब, और आज मैं नाइट में यहीं पे स्टे करूँगा। पापा और मैं यहीं पे स्टे करेंगे, और यहाँ पे पापा के दोस्त रहते हैं जो जेई हैं यहाँ पे, पापा बता रहे थे, और मैं उनको भैया बोलता हूँ। तो यहाँ पे भैया हैं अभी, वो किचन में पापा और भैया खाना बना रहे हैं। अभी मार्केट से वो सब्जी लेके आए थे, और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने अब अपना हुड भी पहन लिया, और मैं अभी रजाई में बैठा हुआ हूँ। और यही था, कल को बनाऊंगा मैं अब अपना नया व्लॉग, और कल को ही हम घर जाएंगे, पापा के बोल रहे थे। तो होप करता हूँ मैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि अब मैं अपने व्लॉग घेरता रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। तो इस व्लॉग में इतना ही, अभी मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। We'll be right back.